नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु पांडे। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एक तरफ जहां प्रशासन हाई अलर्ट पर है, तो वहीं दूसरी ओर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण के लिए की जा रही कार्रवाई का पूरा ब्यौरा 8 दिसंबर तक पेश करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि दिनेश कुमार सिंह व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि बिहार में कोरोना का नहीं होना केवल एक भ्रम मात्र है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन और एमआईआर मशीन स्वयं का ना होकर पीपीपी मोड पर है। इस कारण मरीजों को पैसे खर्च कर टेस्ट कराने होते हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोरोना टेस्ट में लगभग 40% में रिपोर्ट सही रही होते हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य में इन मशीनों की काफी कमी है, साथ ही टेस्ट भी काफी कम संख्या में हो रहे हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना जांच के मामले में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 दिसंबर को की जाएगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।